रियलमी के मोबाइल में एक फीचर देखने को मिलता है, आप अपने मोबाइल में जो भी वॉलपेपर डिफॉल्ट में होम स्क्रीन में सेट करते हैं तो उसी वॉलपेपर के कलर को पिक करने के बाद वही कलर आपको सेटिंग में देखने को मिल जाता है। साथ में नोटिफिकेशन जो पैनल होता है, नोटिफिकेशन पैनल में भी आपको सेम वही कलर देखने को मिलेगा। तो जो भी आप यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ कीजिएगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कलर देखने को मिल जाता है। उस कलर को ये पिक करने के बाद सेटिंग और नोटिफिकेशन में सेम कलर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे वॉलपेपर में जाता हूँ, वॉलपेपर में जाने का कोई भी एक वॉलपेपर को मैं यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में सेट कर लेता हूँ। मैंने इस वॉलपेपर को यहाँ पे सेट कर लिया है और सेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें सबसे पहले तो नोटिफिकेशन, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो नोटिफिकेशन में सेम यही कलर आपको देखने को मिलेगा जिस कलर को मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, और वही कलर आपको यहाँ पे सेटिंग में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो वॉलपेपर कलर का जो पिकिंग वाला फीचर मिलता है इसको कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे में ही ऑप्शन मिल जाएगा कलर्स का, इस कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉलपेपर कलर पिकिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको यूज कर सकते हैं और डिफॉल्ट में कुछ आपको यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएंगे। इस पर क्लिक कीजिएगा, जो भी वॉलपेपर यूज कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा, देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके कलर को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट में 4-5 यहाँ पे कलर मिल जाएंगे, तो वो कैसे यहाँ पे दिखता है चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं, अगर इसको आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन एंड सेटिंग में कलर चेंज देखने मिलेगा और ये आपको डिफॉल्ट में मिल जाएगा। इसमें अगर वॉलपेपर यूज़ कीजिएगा तो उसका कलर यहाँ पे पिक नहीं करेगा। कलर पिक कराने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, तो जो भी वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं उसका कलर आपका यहाँ पे पिक कर लेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।